हेलो दोस्तों, अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि छोटे मोटे क्वेश्चन की। ठीक है, सबसे पहले ही क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हम ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो है मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। ठीक है, उसका आपको डिफरेंस बताने के लिए ये क्वेश्चन कराया जा रहा है। वैसे ये पेपर के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, प्रोडक्शन हमारे पास 40,000 यूनिट है, सेल भी 40,000 रुपये है। ठीक है, जितनी प्रोडक्शन उतनी सेल। सेलिंग प्राइस जो है वो 30 रुपये पर यूनिट है। डायरेक्ट मटेरियल 5 रुपये पर यूनिट, 4 रुपये लेबर है, ओवरहेड देखिए फिर वेरिएबल फिक्स में दे रखा है। यही मैं बताने जा रहा था कि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम सिर्फ वेरिएबल देंगे पहले। ठीक है, ओवरहेड 3 रुपये पर यूनिट है, फिक्स देंगे 1 लाख है। इसमें आपको फिक्स हमेशा ऐसे मिलेगा। अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, कैलकुलेशन और नेट प्रॉफिट निकालना है हमें। ठीक है, नेट प्रॉफिट के लिए हमें सबसे पहले सेल चाहिए। सेल में से हम ये सारे खर्चे माइनस करेंगे। ठीक है, और सारे खर्चे माइनस करने के बाद हम जाके प्रॉफिट निकालेंगे। तो सबसे पहले सेल, देखिए सेल 40,000 30 रुपये 1 यूनिट की सेल है, तो 40,000 12 लाख। ठीक है, 12 लाख की सेल और लेस इन्होंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखिए, ये तो इनकम स्टेटमेंट हमेशा वही वाली मिलेगी जो आपको कॉस्ट शीट में पड़ा होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, जितने भी हम खर्चे माइनस कर सकते हैं तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हम कॉस्ट शीट के हिसाब से बना सकते हैं। वैसे ही डायरेक्ट लेबर के बाद वेरिएबल फिक्स करके बाद फिर नेट प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में छोटा सा डिफरेंस है बस। मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या है कि सेल तो कर दी, लेकिन यहाँ पर लिखना है सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को लिखना है, उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल, ये सब क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। अब ये देखिए, ओवरहेड वेरिएबल थे ना यहाँ पर, एक ओवरहेड देखिए वेरिएबल थे, तो वेरिएबल लिख दिए। अब ये आ गया वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने के बाद, एक नया नाम देते हैं हम प्रॉफिट का, उसे हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये कंट्रीब्यूशन इस चैप्टर में ही आएगा। इस चैप्टर में कंट्रीब्यूशन का ही सबसे बड़ा रोल है, कंट्रीब्यूशन और सेल। आगे चैप्टरों में जो फॉर्मूलेस बनेंगे इस सिर्फ कंट्रीब्यूशन और सेल की वजह से बनेंगे। इस चैप्टर में सारा खेल कंट्रीब्यूशन का ही होगा, जो कि सेल और वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके हम जो प्रॉफिट जो जो आता है उससे हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट हम माइनस कर देंगे तब आएगा हमारा नेट प्रॉफिट। ये जो कंट्रीब्यूशन है ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसकी वीडियो में मैं कंट्रीब्यूशन की अलग वीडियो बनाऊंगा एक स्पेशल, जिसमें आपको वो सारे इसके फॉर्मूलेस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे फॉर्मूले आप इसी के खेल से बनेंगे। दूसरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखिए, प्रोडक्शन 40,000, सेल इस बार 30,000 यूनिट की हुई है, सब कुछ वैसे दे रखा है। नेट प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन, नेट प्रॉफिट अंडर मार्जिनल। ठीक है, सेल कॉस्ट ऑफ सेल इन्होंने निकल दिया। ठीक है, डायरेक्ट लेबर, यहाँ कुछ भी लिख दो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेल, फैक्ट्री ओवरहेड। अब ये देखिए, प्रोडक्शन 40,000 की, सेल 30,000 की हुई, तो इसका मतलब जो 10,000 यूनिट का सेल, देखिए देखिए 10,000 यूनिट की जो सेल, वो 10,000 यूनिट की प्रोडक्शन है, वो इसका मतलब रहेगी। ठीक है ना, वो इसका मतलब 10,000 यूनिट की प्रोडक्शन हमारी बिकी नहीं है, तो वो हम क्लोजिंग स्टॉक है हमारा, तो क्लोजिंग स्टॉक हम डाल देंगे यहाँ पर। अब डालने से पहले हमने इसकी वैल्यू तो करनी पड़ेगी, 10,000 की वैल्यू कैसे करेंगे, सब कुछ सारे खर्चे माइनस करने के बाद। ठीक है, फिक्स वेरिएबल सब कुछ खर्चे 5,80,000 आ गई, तो 5,80,000, क्योंकि ये प्रोडक्शन जो है 40,000 यूनिट की, तो हमें 1 यूनिट की पहले निकालनी पड़ेगी, तभी तो 30,000 की निकलेगी। तो 5,80,000 को 40,000 डिवाइड कर देंगे, फिर हमारे पास आ जाएगी कि 1 यूनिट के बारे में कितनी कॉस्ट है, फिर उसको 10,000 कैसे करेंगे, तो ये आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी था। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ये करेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास इतना, 45,000 और 30,000, तो हमारे पास इतनी आ गई। अब ये आप सोच रहे हो कि ऐड क्यों करें, भाई साहब ये क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर इसमें ऐड ही करते हैं, ये सारी कॉस्ट निकाल रहे हैं हम, तो इसलिए यहाँ करने के बाद इसको यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसको ऐड कर रहे हैं, सारी कॉस्ट को ऐड कर रहे हैं। ठीक है,
मार्जिनल कॉस्टिंग में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, सबसे पहले वेरिएबल को माइनस करेंगे, ठीक है, उसके क्लोजिंग स्टॉक को देखिए यही वाली इससे करना है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक से क्या है, ये सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो आएगा इसकी कॉस्ट आएगी, अब वही 40,000 को डिवाइड करके 10,000 से कर देंगे, अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। यहाँ पर बस आपको कंट्रीब्यूशन लिखना है, ये सबसे बड़ी बात है, बस सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो फिक्स्ड कॉस्ट से पहले जो निकलेगा उसे हम कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, बस कंट्रीब्यूशन लिखना है। इसका सारा कॉन्सेप्ट आपको आगे समझ आएगा धीरे धीरे, तो यहाँ पर बस आप ये होमवर्क में कर सकते हो ये वाले क्वेश्चन। और ये बुक का मैं बता दूँ, बुक कौन सी है ये तो बुक है भाई साहब, ये है वीके पब्लिकेशन की बुक है ये, ठीक है, एसपी गुप्ता और अजय शर्मा की बुक है ये, तो ये तो केयूके में लगती है, केयूके की बुक है ये, सेमेस्टर 6 के लिए बीकॉम की। तो भैया आपको आप कोई बुक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग है, तो ये पहले आपको प्रैक्टिस करना, अगले लेक्चर में आप समझेंगे आगे का। थैंक यू सो मच।